तो दोस्त, आज की वीडियो में बात करेंगे कि कंपनी अगर आपसे प्रीवियस टू प्रीवियस प्रीवियस टू प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स आपके मांग रही है। मान लो फॉर सपोज आपने चार कंपनी में जॉब करी, आपने पांच कंपनी में जॉब करी है और कंपनी बोल रही है कि मुझे लास्ट कंपनी की भी डॉक्यूमेंट सबमिट करो, और अगर आपके पास वो नहीं है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली दोस्त, होता क्या है कि जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो 15 साल हो सकता है, 15 साल में आपने 10 कंपनी चेंज कर दी हो, या हो सकता है कम, 15 साल में आपने 7 से 8 कंपनी चेंज कर दी हो। तो उस केस में क्या होता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स होना ऑन मेल या किसी तरीके से, हो सकता है ना हो, या जिस मेल आईडी पे आपने रखा हो वो मेल आईडी पता चले हैक हो गई हो, या किसी ने ट्रैप कर लिया हो उसको, या हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स डिलीट हो गए हों, या आप आईडी वगैरह वो भूल गए हो, पासवर्ड आप भूल गए हो। तो उस केस में क्या होता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है और फिर हम जॉब के लिए क्रिटिकल केस में फंस जाते हैं। तो उस केस में आप मेरे दोस्त क्या कर सकते हो कि जो भी आपकी 7 से 8 से 10 साल पहले कंपनी जो थी, और अगर आपके पास रिकॉर्ड में है, जैसे आपका पीएफ डिटेल है, तो पीएफ डिटेल में क्या होता है कि पासबुक होती है, पासबुक आप उनको शेयर कर सकते हो, उनसे बोल दो कि ये कंपनी की पासबुक है, आप इसके थ्रू ट्रैक कर लो। अगर इन केस वहाँ पे पीएफ डिटेल वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं होती थी, जस्ट आपको इनहैंड सैलरी इनहैंड डॉक्यूमेंट्स मिलते थे, तो एक सेकेंड वे है कि आप एक नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स बना के उनको सबमिट कर सकते हो और बता सकते हो कि वो कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स इन हैंड होते थे। एंड सेकेंड वे क्या है कि इन केस अगर वो डॉक्यूमेंट्स आप इलीगल मानते हैं या उसको नहीं मानते, क्योंकि आपको जो कंपनी देती है वो भी इन हैंड था और आप बना के देते हो तो भी इन हैंड की तरीके ही होगा। इन केस अगर 7 से 8 साल पहले वाली कंपनी, जो फर्स्ट कंपनी थी, वो अगर आपकी कंपनी वर्किंग है, तो उस कंपनी पे जाओ, वहाँ से उनका डोमेन ईमेल लो और इनसे बोलो कि वो कंपनी वर्किंग है, या तो उनसे पहले बात करो कि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स बना के दे दो। अगर वो इनके डॉक्यूमेंट्स बना के आपको नहीं देते हैं, तो फिर आप क्या करो, जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर रही है जो कंपनी, उनसे बात करो, उनको बोलो कि ये कंपनी की ईमेल आईडी है, आप उस पर ईमेल डालो, मैं आपको ईमेल पे रिवर्ट करवा दूंगा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के रिलेटेड। अगर आपका पीएफ डिटेल वहां पे नहीं था, पीएफ डिडक्शन नहीं हो रहा था, ये मैं बात कर रहा हूँ जब आपने उनको बताया नहीं है, तो पीएफ डिटेल वगैरह या कोई भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि उस कंपनी को हाइड कर सकते हो। मतलब आपको वो एक्सपीरियंस बताना ही नहीं है जो आपकी कंपनी बंद हो गई और आपके पास कोई रियल प्रूफ उसका है नहीं कि दैट यू आर वर्किंग देयर, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं, आप उस कंपनी को हाइड कर लो। एंड दोस्तों, जो सेकेंड एंड एक बेस्ट वे है, जो कि आपके पास अगर ये सारी चीज़ें खत्म हो जाए, सब कुछ आपके पास ना रहे, तो उस केस में क्या कर सकते हो कि अगर वो कंपनी जेन्युइन थी और आपको सच में सैलरी मिलती थी, ये सारी चीज़ें होती थी, तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट होता है, आप उनको बैंक स्टेटमेंट भी दे सकते हो। आपने 1 साल काम किया, 1.5 साल, 2 साल, 6 महीने, 8 महीने, जितना वट एवर आपने जितना टाइम वहाँ पे दिया हुआ है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि बैंक स्टेटमेंट आप डाउनलोड करके उनको दे सकते हो कि ये इस कंपनी से मेरे पास इतनी सैलरी आई है, तो उस चीज़ से भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो जाता है। तो कोई भी बंदा होता है 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक जॉब जब करता है, तो उस हो सकता है उसकी प्रीवियस कंपनी 15 हो जाती है जहाँ से उसने रिजाइन डाला हुआ, तो ये उस केस में नहीं होता है, क्योंकि बहुत रेयर केस में होता है, 1-2-4% के केस में ये होता है कि वो इतने डीपली जाते हैं, इतने अंदर तक वो कंपनी निकाल के लाते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो लास्ट 2-30 कंपनीज का आपका डेटाबेस में, आपके डेटाबेस में आपका डेटा चेक करते हैं, मोस्टली जो नॉर्मली बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंपनी है वो लास्ट 2 कंपनीज का चेक करते हैं, अगर बहुत जाती हैं तो 3 या 4, इससे ज़्यादा वो लोग अंदर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ से आप रिकवर करा सकते हो अपना एक्सपीरियंस लेटर। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।